हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन तो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस है वो किस चीज़ से, से बनता है वो हमें बताना जहाँ पे हमें इसके लिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं। so, सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन इट विल बी डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड बेसिकली उसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू विच हम करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू आइडेंटिफाई डिफरेंसिस में हम लोग को डिफरेंसिस फाइंड आउट करना है देन इन डिफरेंसिस होता है किसके बीच में इन सम्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए एंड ये जो स्पेसिफिक रीजनस इन डीएनए उसको हम लोग क्या बोलते हैं दे आर नोन एज रिपीटेटिव डीएनए सो जो रिपीटेटिव डीएनएज होते हैं उनके बीच में हम लोग को डिफरेंसेज फाइंड आउट करना है सबसे पहले ना उनके बीच में जब डिफरेंसेज हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सो so जो ये जो रिपीटेटिव डीएनए वो क्या होता है दे आर स्मॉल स्टेच ऑफ डीएनए जो बार बार रिपीट हो रहा है जैसे नाम हम लोग को सजेस्ट करता है कि इसीलिए उसको हम लोग रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं एंड ये जो डीएनए है सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस में क्या होता है देन हम लोग को जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिपीटेटिव डीएनए और किसके बीच में दैट ऑफ दी बल्क डीएनए मतलब जो बाकी डीएनए है जो यूनिक है उस पर्टिकुलर ऑर्गैनिज्म के लिए सो so, हम लोग बोल सकते हैं कि बल्क डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए के बीच में डिफरें फाइंड आउट किया जाता है सेपरेटेड फ्रॉम दैट एंड उसके बीच में क्या होता है कि डिफरेंट पीक आर प्रोड्यूस्ड एंड ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो हम लोग इससे करते हैं प्रोसेस दैट इज ने एज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिगेशन इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए है उससे हम लोग रिपीटेटिव डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी नाउ जो बल्क डीएनए रहता है हमारा वो क्या बनाता है दैट फॉर्म्स दी मेजर पीक एंड बाकी जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए रहता है बचा हुआ वो क्या बनाता है माइनर पीक सो आफ्टर दिस हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होता है कि जो स्मॉल पीक्स जो हम लोग बनते हैं माइनर पीक्स में जो स्मॉल पीक्स बनते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं दे आर नेम्ड ए सैटेलाइट डी एन ए नाउ ये जो सैटेलाइट डी एन ए होते हैं उनको फिर प्रोसेसिंग होता है जिसमें बेस्ड ऑन दी बेस कॉम्पोजिशन बेस कॉम्पोजिशन का मतलब है कि एडीनाइन और थमीन का रेशियो कितना रिच है वो या फिर ग्वानाइन साइटोसिन रिच है उस बेसिस पे लेंथ ऑफ द सेगमेंट कितने नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स हैं उन सबको देख के फिर हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं जिसमें ये जो सैटेलाइट डीएनए फॉर्म हुआ है वो फिर उसके बाद उसको वेरियस वेव्स में हम लोग कैटेगराइज करते हैं लाइक माइक्रो सैटेलाइट्स मैक्रो सैटेलाइट्स मिनी सैटेलाइट्स इस बेसिस पे हम लोग उनको डिवाइड करते हैं नाउ ये क्या होता है कि ये जो डी एन एज होते हैं दैट इज सैटेलाइट डी एन ए दे बेसिकली क्या करते हैं दे डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स क्योंकि ये रिपीटेटिव सेगमेंट्स में आते हैं दैट इज द रीजन क्या है कि ये किसी भी प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते हैं तो so फर्दर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कोड नहीं करते हैं वो तो अलग हो गए तो इस वजह से क्या होता है कि यही प्रोटीन्स यही सैटेलाइट डी जो है दे फॉर्म द बेसिस ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीन है हम लोग का ह्यूमन जीनों में आधा से ज्यादा में यही भरे होते हैं दैट इज द रीजन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोर्फिजम हाई डिग्री ऑफ पॉलीमोर्फिज्म इसमें शो so, शो होता है सो हेयर वी कैन राइट फर्दर इसके बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इस वजह से क्या होता है दे फॉर्म दी बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड ये हम लोग को हर टिश्यूज में मिलता है हर इंडिविजुअल में रहता दैट इज द रीजन सेम डिग्री ऑफ पॉलिमोर्फिज हमें सब जगह देखने को मिलेगा एंड फिर ये एक टूल बन जाता है किस चीज का फॉरेंसिक एप्लीकेशन का सो फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी जिसमें लिखा है कि सैटेलाइट डीएनए विच एट हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स ये हमारा बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग हो गया होपी आई एंड इटवेल बेस्ट ऑफ लक थैंक यू